दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मधु जी का घर, जिसको आपने फूल और कांटे मूवी में और दिल जले मूवी में देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन, उनके घर का प्रॉपर एड्रेस आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमीम ब्लॉग वीडियोस में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कहे जाने वाली मधु जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आपने उनको बहुत सारी सुपर फिल्मों में देखा होगा। अगर मैं आपको उनकी मूवी के नाम बताऊँ तो आपने उनको फूल और कांटे में देखा होगा, जो कि अजय देवगन सर की मतलब उस फिल्म में हीरोइन दिखाई है। और उसके अलावा दिल जले फिल्म में कौन भूल सकता है, जो हमारे जो विलेन का किरदार अदा करते हैं अमरीश पुरी जी, उनके साथ उन्होंने भी विलेन का किरदार अदा किया था और अजय देवगन सर की वो हीरोइन दिखाई गई है उस मूवी में भी। तो आज की वीडियो में मैं आपको उनका घर दिखाने वाला हूं कि वो कहां पर रहती है और उनका घर, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस टाइम मैं खड़ा हूं मुंबई बांद्रा वेस्ट के जुहू तारा रोड पर। तो जुहू तारा रोड पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा मधु जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आसपास का व्यू मैं अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो सामने आप SBI का बैंक देख रहे हो, इसके जस्ट बाजू में जो आपको गेट दिख रहा है, मैं अभी आपको जूम करके दिखाऊंगा, तो यहीं पर रहती है मधु जी। तो इसमें ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है। कौन सी सोसाइटी में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिली, कौन सी बिल्डिंग में रहती है, अभी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप वो जो गेट देख रहे हो, ऊपर देख सकते हो सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है सागर जी का, और बाजू में ये जो आप देख रहे हो, ये इनकी बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट है। और इसी के जस्ट बाजू में आपको SBI का बैंक देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये जो ना, इसका ये जो आप गेट देख रहे हो, इसके अंदर जो ना काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है और हर बिल्डिंग का एक अलग अलग नाम है। किसी का कृष्णा है, तो किसी का कृष्णा कुटीर है, तो जो कृष्णा कुटीर के नाम से जो अंदर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में रहती है मधु जी। जी हाँ दोस्तों, आसपास का व्यू अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये जो आप रोड देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो आप रोड देख रहे हो, ये जाता है बांद्रा स्टेशन की तरफ। और अगर आप इधर की साइड से आप देखोगे तो ये जो आप रोड देख रहे हो, ये जाता है मुंबई जुहू चौपाटी की तरफ। ये आपको जुहू चौपाटी की तरफ रोड जाएगा, तो जुहू चौपाटी से थोड़ी ही दूर पहले आपको ये बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा सा जूम करके दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो ये जो आप ये इस बिल्डिंग का ये जो गेट है, वो मेन एंट्री गेट उधर की साइड से, और जैसे ही आप इधर की साइड आते हो, तो इस साइड में काफ़ी सारे पेड़ हुए नारियल के, इसकी वजह से शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो पेड़ के पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना दोस्तों, उस बिल्डिंग में रहती है मधु जी, जो कि कृष्णा कुटीर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आसपास का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अगर बात करूँ इनके जन्म की, दोस्तों जैसे ही आप इसके गेट के पास जाते हो, तो आपको यहाँ पर एक केबिन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो गार्ड थे, उनसे मैंने कंफर्म किया था, तो उन्होंने बताया है दोस्तों कि मधु जी रहती तो यहीं पर है, लेकिन आपको अंदर जाना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है, तो आपको इस तरीके से अंदर नहीं जा सकते। तो दोस्तों अंदर जाना अलाउड नहीं, इसकी वजह से मैं आपको बाहर से ही इनकी बिल्डिंग का व्यू दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है सागरिका, और ये इनकी बिल्डिंग का एंट्री गेट है दोस्तों। और आसपास का व्यू जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का है। दोस्तों ये दास्तान है उस वक्त की मधुबाला की, जिन्हें हम मधु के नाम से जानते हैं, और इनका पूरा नाम है मधुबाला रघुनाथ। इनका जन्म हुआ 26 मार्च 1969 चेन्नई तमिलनाडु में। मधु की स्कूलिंग हुई सेंट जोसेफ हाई स्कूल जुहू से, और इस हीरोइन ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी फिल्मों में जबरदस्त काम किया है। इनके पापा का नाम था रघुनाथ और मम्मी का नाम था रेणुका, और ये बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की रिश्तेदार लगती है। अभी इनके बचपन अच्छे से गुजर ही रहा था, तभी इनकी मम्मी को कैंसर हो गया था, और उस वक्त मधु की उम्र सिर्फ 13 बरस की थी, और इनकी मम्मी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। और ये हेमा मालिनी को अपना गुरु मानती थी, और बचपन में ये बेबी मधु के नाम से जानी जाती थी। और जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई, तो मधु को एक रोल ऑफर हुआ, और मधु ने उस वक्त रोशन तनेजा के एक्टिंग क्लास ज्वाइन की हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि मधु को उस रोल से निकाल दिया गया है, और मधु ने ठान लिया कि ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा काम ज़रूर करेगी।
और फिर मधु ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, अपने हेयर स्टाइल, और उसके बाद उन्होंने एक रोल मिला फिल्म फूल और कांटे में, और इस फिल्म में अजय देवगन को लॉन्च किया जा रहा था। वैसे बॉलीवुड में तो मधु की ये पहली मूवी थी, लेकिन इससे पहले ये मलयालम मूवी में काम कर चुकी है। दोस्तों मूवी फूल और कांटे सुपरहिट साबित रही और मधु और अजय देवगन की जोड़ी लोगों पे छा गई। उसके बाद एक तमिल फिल्म आई रोजा। म्यूजिक और मधु की एक्टिंग दोनों ही देखने लायक बनती थी। तमिल और हिंदी दोनों ही भाषा में ये मूवी सुपर डुपर हिट साबित रही। मधु ने बहुत सी फिल्मों में काम किया जो कि बहुत ही अच्छी फिल्मों में साबित रही। के बाला चंद्रा की फिल्म आई अजाकन, और मधु की मम्मी ने मधु को भरतनाट्यम भी सिखाया था, इसलिए इनका डांस देखने लायक बनता था। कम से कम मधु ने 30 फिल्मों में काम किया और तकरीबन 30 बरस की उम्र में ही इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब फिल्मों से दूर होकर अपना घर बसाएगी। और मधु की शादी हुई बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद शाह के साथ, और इस शादी से इन्हें 2 बेटियां हुई, अमाया और केया। और ये बात भी गौर करने लायक है कि इनके पति जय मेहता के कजन भाई है, वही जय मेहता जो कि जूही चावला के हस्बैंड है, और इस रिश्ते से मधु जूही चावला की देवरानी लगती है। अगर हम बात करें इनके इनकम की, तो ये एक मूवी करने का उस टाइम में 6 से 7 लाख रुपए चार्ज करती थी और इनका टोटल नेटवर्थ है 1 मिलियन रुपीस। यकीनन बहुत ही कम समय में मधु ने वो मुकाम हासिल किया जो हर हीरोइन का ख्वाब होता है। सुपरहिट फिल्में देने वाली हीरोइन मधु हमेशा ही एक सुपरहिट हीरोइन रही है और इनका नाम हमेशा घर से लिया जाता है। दोस्तों मधु अभी फिलहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम ही दिखाई देती है, लेकिन मधु जी अपना जीवन अपने पूरी फैमिली के साथ इसी घर के अंदर बिताती है, जो कि आज की वीडियो में आपने देखा है। दोस्तों इसका प्रॉपर एड्रेस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास काफ़ी अच्छी कार कलेक्शन है। दोस्तों मधु जी को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उनकी मूवीज़ के कुछ नाम इस तरीके से है, फूल और कांटे, दिल जले, योद्धा, रोजा, जेंटलमैन, ऐलान, जालिम, इसी तरह की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया है। दोस्तों उनकी मूवीज़ के नाम बताऊँ तो उनकी मूवीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 30 से 40 फिल्मों में वो उन्होंने काम किया है। तो दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है मधु जी का घर, जी हाँ दोस्तों उन्होंने कौन कौन सी मूवी में काम किया है, उनका घर का एड्रेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिस जिस मूवी में उन्होंने काम किया है वो मैंने आपको बताया, उनकी बायोग्राफिक कार्यक्रम सब कुछ बता चुका हूँ। दोस्तों ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये जो सोसाइटी है ना, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है सागर रिका के नाम से, और इसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है। तो उसमें एक बिल्डिंग है कृष्णा कुटीर के नाम से, तो उस बिल्डिंग में रहती है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कहे जाने वाली मधु जी। जी हाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ इनके घर का एड्रेस की, तो इनके जो घर का एड्रेस है वो है, ये जो आप रोड देख रहे हो ये जूहू तारा रोड कहलाता है। अगर आप इस साइड देखोगे तो ये बांद्रा स्टेशन की तरफ रोड जाता है, और आप अगर इस साइड से देखोगे तो ये रोड जाता है मुंबई जूहू चौपाटी, जो कि मुंबई की बहुत ही फेमस जूहू चौपाटी के नाम से जानी जाती है। तो जूहू चौपाटी से मुश्किल से 500 कदम की दूरी पर आपको ये बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको दिखाया है मधु जी का घर, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बताया है, उनके घर का प्रॉपर एड्रेस भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके टाटा बाय बाय।